सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन एंड शेयर माय वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ऑल न्यू अपॉइंटमेंट अगस्त 2020 यानी अगस्त महीने की सभी नई नियुक्तियों को हम एक साथ स्टडी करेंगे। डाउनलोड पीडीएफ डिस्क्रिप्शन, आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लेट स्टार्ट। प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी बन गए हैं। आप इमेज देख सकते हैं, ये है प्रदीप कुमार जोशी। यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी। नेक्स्ट, भारत सरकार ने राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बीएसएफ के बारे में जान लीजिए, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 हुई थी तथा मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो मेघालय के नए राज्यपाल सत्यपाल मलिक बन गए हैं। इससे पहले सत्यपाल मलिक गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्यरत रहे थे और गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सौंपा गया है। नेक्स्ट, स्पोर्ट प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट ने दो क्रिकेटर हरमीत पी और सुरेश नाना को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट, अमृतसर स्थित ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो ने भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट, स्पोर्ट आईबीआर ब्रांड ओकले ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो रोहित शर्मा ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। नेक्स्ट, मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया जम्मू एंड कश्मीर का नया उपराज्यपाल। तो जम्मू एंड कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बन गए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। वे भारत के 14वें कैग के रूप में नियुक्त होंगे। नेक्स्ट, HDFC बैंक ने अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में शशिधर जगदीशन को नियुक्त किया गया है। HDFC बैंक के बारे में जान लीजिए, इसका फाउंडेशन 1994 को हुआ था तथा इसके फाउंडर हसमुख पारिक है और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसके वर्तमान चेयरपर्सन श्यामलाल गोपीनाथ है। नेक्स्ट, सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय तागी का कार्यकाल हाल ही में 18 महीने के लिए बढ़ाया गया। सेबी के बारे में जान लीजिए, स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी और 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से वैधानिक शक्तियां दी गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई के महाराष्ट्र में है। सेबी से जुड़ी हुई एक और जानकारी है जिसमें सेबी ने JP गर्ग को अपना कार्यकारी निदेशक यानी ED नियुक्त किया है। नेक्स्ट, PNB हाउसिंग फाइनेंस ने हरदयाल प्रसाद को अपना नया प्रबंधक निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया है। PNB हाउसिंग फाइनेंस की स्थापना 11 नवंबर 1988 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार की नियुक्ति अशोक लावासा के स्थान पर की गई है। अशोक लावासा एशियन विकास बैंक में 22 प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट, विजय टॉन्स को SBI म्यूचुअल फंड के प्रबंधक निदेशक यानी MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो विजय टॉन्स SBI म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO नियुक्त किए गए हैं। ये है विजय टॉन्स। विजय टॉन्स अश्विनी भाटिया का स्थान लेंगे और हाल ही में अश्विनी भाटिया भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक
यानी MD के रूप में नियुक्त किए गए हैं, इस बात को भी आप याद रखिए। SBI म्यूचुअल फंड के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना जून 1987 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। नेक्स्ट, भारतीय ऊर्जा विनिमय यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव श्रीवास्तव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बोर्ड के वर्तमान गैर कार्यकारी अध्यक्ष सत्यनारायण गोयल को कंपनी के अंतरिम MD एंड CEO का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। भारतीय ऊर्जा विनिमय बोर्ड के बारे में जान लीजिए। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 27 जून 2008 को हुई थी। नेक्स्ट, शोभा मंडल को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा स्टील ऑथराइट ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को की गई थी। नेक्स्ट, टिकटॉक के CEO केविन मेयर ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह टिकटॉक अमेरिकी महाप्रबंधक बेंसा पापसा लेंगे। टिकटॉक कंपनी के बारे में जान लीजिए। टिकटॉक को बाइट डांस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है और टिकटॉक की स्थापना 2012 को की गई थी। टिकटॉक के संस्थापक झांग यिमिंग है। नेक्स्ट, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इसकी विधायक राजधानी श्री जयवर्धनपुरा कोटे है तथा कार्यकारी और न्यायिक राजधानी कोलंबो है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है और राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे है। नेक्स्ट, आइबेरी कोस्ट के रक्षा मंत्री हमीद बकायोको को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आइबेरी कोस्ट के बारे में जान लीजिए। इसके राष्ट्रपति अलासेन ओतारो है तथा राजधानी यामो सुक्रो है और मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। मैप में आइबेरी कोस्ट कंट्री की लोकेशन देख लीजिए। ये है अपना देश भारत और ये है अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में माली देश के पास में स्थित है आइबेरी कोस्ट कंट्री। आइबेरी कोस्ट को कोटे डी आइबेरी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, मोहम्मद इरफान अली को गुआना देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। गुआना देश के बारे में जान लीजिए। इसके राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली जो हाल ही में चुने गए हैं और राजधानी जॉर्ज टाउन है और मुद्रा गुआनिए डॉलर है। मैप में गुआना कंट्री की लोकेशन देख लीजिए। यह है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप और इसमें गुआना देश एंजुलुआ कंट्री और सुरीनामा कंट्री के जस्ट पास में स्थित है। गुआना से जुड़ी हुई एक और इम्पोर्टेंट नुक्ति है जिसमें गुआना के नए प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स चुने गए हैं। ये है मार्क फिलिप्स जो कि गुआना के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट, PS रानी पेशे को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिरीक्षक यानी इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। CRPF के बारे में जान लीजिए। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसका आदर्शवाद सर्विस एंड लॉयल्टी है और इसकी स्थापना जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है वो है 27 जुलाई 1939। इसके महानिदेशक डायरेक्टर जनरल AP मेश्री है। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर लुकाशेंको छठी बार बेलारूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो बेलारूस के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको बन गए हैं। बेलारूस के बारे में जान लीजिए। इसकी राजधानी मिन्स्क है तथा मुद्रा बेलारूसी रूबेल है। प्रधानमंत्री रोमन गोलोबचेंको है। मैप में बेलारूस कंट्री की लोकेशन देख लीजिए। यह है बेलारूस जो पोलैंड और यूक्रेन के पास स्थित है। नेक्स्ट, बाल्टर रोजर मार्कोस रुइज को पेरू का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो पेरू के नए प्रधानमंत्री बाल्टर रोजर मार्कोस रुइज बन गए हैं। पेरू के बारे में जान लीजिए। इसकी राजधानी लीमा है तथा मुद्रा पेरू सॉल है और राष्ट्रपति मार्टिन ब्रिज कारो है। मैप में पेरू कंट्री की लोकेशन देख लीजिए। यह है दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप और इसमें इक्वाडोर कंट्री के पास में स्थित है पेरू। नेक्स्ट, मोहम्मद ओल्ड बिलाल को मार्टिनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो मार्टिनिया के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद ओल्ड बिलाल बन गए हैं। ये है मोहम्मद ओल्ड बिलाल। मार्टिनिया के बारे में जान लीजिए। इसकी राजधानी नुआक सोत है तथा इसकी मुद्रा मार्टिनियाई ओगुइया है। राष्ट्रपति
मोहम्मद ओल्ड गजोनी है। मैप में मार्टिनिया कंट्री की लोकेशन देख लीजिए, यह है अपना देश भारत और यह है अफ्रीकी महाद्वीप और इसमें माली कंट्री के पास स्थित है मार्टिनिया कंट्री। नेक्स्ट, CIFL यानी कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष यानी CEO हर्ष कुमार भनवाला को नियुक्त किया गया है। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के बारे में जान लीजिए, इसके प्रबंधक निदेशक केशव पोरवाल है तथा इसका हेड ऑफिस महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट, प्रमोद भसीन को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय सद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ICRIER के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर रजत कतुरिया है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस से है जिसमें सुभाष सयूरन मुद्रा को IBH इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का मुख्यालय गुरुग्राम में है और इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। नेक्स्ट, नौसेना से जुड़ी हुई कुछ इंपोर्टेंट नुक्ति है जिन्हें मैंने एक साथ कवर किया है, जिसमें पहली नुक्ति 22 एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को महानिदेशक नौसेना संचालन यानी DGNO नियुक्त किया गया है। सेकंड, 22 एडमिरल M.A. ओली ने भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडर का पदभार ग्रहण किया है और उन्होंने 22 एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की जगह ली है। थर्ड, एयर मार्शल B.R. चौधरी ने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायुमान के प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। तीनों सेनाओं के प्रमुख के बारे में जान लीजिए, इससे भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रेजिमेंट में एडमिरल करमवीर सिंह है, एयर चीफ मार्शल कुमार सिंह भदौरिया है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने है जिनकी नियुक्ति हाल ही में की गई थी। नेक्स्ट, माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाबूकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया। माली कंट्री के बारे में जान लीजिए, इसकी राजधानी को है तथा इसकी मुद्रा पश्चिम अफ्रीकी सीएफए फ्रंक है। मैप में माली कंट्री की लोकेशन देख लीजिए, ये है अपना देश भारत और ये माली कंट्री जो अफ्रीकी महाद्वीप में है। नेक्स्ट, लुइस एडमिनर चुने गए डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति, तो डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति लुइस एडमिनर बन गए हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री के बारे में जान लीजिए, इसकी कैपिटल सेंटो डोमिंगो है और इसकी मुद्रा डोमिनिकन पीसो है। डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री की मैप में लोकेशन देख ली, ये है डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री, यह उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप है और यह है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप और यहाँ पे स्थित है डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य से है जहाँ पर हाल ही में किथरोबेलो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो किथरोबेलो त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री बन गए है। त्रिनिदाद और टोबैगो कंट्री के बारे में जान लीजिए, इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है, मुद्रा त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर है और राष्ट्रपति पाउला में भी है। मैप में त्रिनिदाद और टोबैगो कंट्री की लोकेशन देख लीजिए, ये है त्रिनिदाद और टोबैगो कंट्री जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट, फ्रांसिस्को पास का हुए ओबामा एसुए को लगातार तीसरी बार इक्वाटोरियल गिनी गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इक्वाटोरियल गिनी के बारे में जान लीजिए, इसके राष्ट्रपति ओडोरो ओबियांग है और राजधानी मालाबो है और मुद्रा मध्य अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक है। मैप में इक्वाटोरियल गिनी कंट्री की लोकेशन देख लीजिए, ये है इक्वाटोरियल गिनी कंट्री जो एक अफ्रीकन कंट्री है। नेक्स्ट, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने स्वास्थ्य की स्थिति खराब होने के कारण 28 अगस्त 2020 को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। जापान के बारे में जान लीजिए, जापान की करेंसी जापानी येन है और कैपिटल टोक्यो है और वहां पे जो सम्राट या एम्पायर है वो नारो स्थित है। नेक्स्ट, लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दीप और उनकी पूरी सरकार ने बैरूत में विशाल विस्फोट के कारण इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के बाद लेबनान के नए PM मुस्तफा अदीब बन गए हैं। लेबनान कंट्री के बारे में जान लीजिए, इसकी राजधानी बेरूत है और मुद्रा लेबनानी पाउंड है और राष्ट्रपति मिशेल एउन है। मैप में लेबनान कंट्री की लोकेशन देख लीजिए, ये है लेबनान कंट्री जो
इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के पास स्थित है। नेक्स्ट, सम अदर न्यू अपॉइंटमेंट अगस्त मंथ। कुछ अन्य नुक्तियां हैं जिन्हें हम वन लाइनर फॉर्म में स्टडी करेंगे, इससे आपके एग्जाम में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फर्स्ट, आशीष भाटिया को गुजरात पुलिस का नया पुलिस महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है। सेकंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने भारतीय मूल की सीनेट कमला हैरिस को अपनी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाया है। थर्ड, भारतीय मूल के राजनीतिक नेता प्रीतम सिंह को सिंगापुर की सदन में विपक्ष का नेता नामित किया गया है और यह देश के इतिहास में पहली ऐसी नियुक्ति है। फोर्थ, 1987 बैच के आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश बने उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव। फिफ्थ, राज्यसभा में शिव प्रताप शुक्ला को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा की एथिक्स कमेटी का चेयरमैन बनाया है। सिक्स, एस एम राजेश्वरी को सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का चेयरमैन सह प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। सेवन, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को 5 साल के लिए कंपनी का अतिरिक्त व स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। एट, कंप्यूटर और प्रिंटिंग क्षेत्र की बड़ी कंपनी एचपी ने केतन पटेल को एचपी ग्रेटर इंडिया का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। 9, थेरी बोलोर टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जगुआर लैंड रोवर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किए गए हैं। 10, वीरेंद्र पाल को कैनाडा में भारत का उच्च आयुक्त यानी हाई कमीशन नियुक्त किया गया है। 11, अमेरिका का पहला श्वेत एयरफोर्स प्रमुख चार्ल्स क्यू ब्राउन बने हैं। 12, जयदीप भटनागर आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार संभाला है। 13, जिन लिक्यून को AIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। 14, किशोर रूंगटा ने फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दक्षिणी क्षेत्र की कमान संभाली है। 15, लोकसभा में सचिव के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है, उनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा की गई है। 16, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन हाल ही में जाकिर खान को नियुक्त किया गया है, तो जाकिर खान दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए चेयरमैन बन गए हैं। हेलो दोस्तों, आज का सेशन यहाँ पे एंड होता है, नई वीडियो के साथ जल्दी लौटेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।